नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौड़। कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के बाद अब इसका असर राजस्थान में दिखने लगा है। राजधानी जयपुर के चाकसू में कॉलेज छात्राओं को यूनिफॉर्म के लिए टोकने पर यह विवाद एक बार फिर उपज गया, जिसके बाद समुदाय विशेष की छात्राओं ने इस घटना को हिजाब मामले से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। हालांकि स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। ऐसी नौबत क्यों आई आज? एक बच्ची देखो मामा यूनिफॉर्म में, बताओ क्यों आई? सब बच्चे यूनिफॉर्म में है। अब वो बच्चे बोले भाई ये कैसे जा रहे हैं, हम लोग तो विदाउट यूनिफॉर्म में है। भाई साहब वो यूनिफॉर्म में आपने देखी नहीं यार, हिजाब पहन रखे, यूनिफॉर्म के अंदर है वो, बिना यूनिफॉर्म के थोड़ी है। यूनिफॉर्म में आई है वो, हिजाब आप दादागिरी कर रहे हो, ये है वो कुछ नहीं। तो आज से पहले परंपरा अलाउ नहीं थी? अरे पहले दिन से ही करने में आप आपकी मिसेज मेरे यहीं से पढ़ गई है और उसको पूछो वो दो साल तीन साल तो वो भी यहीं पढ़ती है, वो पहन के आओ, लेकिन यूनिफॉर्म तो प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरा अभी इस तरह जो माहौल चल रहा है वो वहाँ का बेंजर वाला भी उसको आप बच्चों को बाहर खड़े और ये चीजें ना, आप पहले बताओ भाई इस तरह से कोई पहले हुआ था क्या? नहीं कभी नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ ऐसा, कभी नहीं हुआ। आज पहली बार तो बच्चों को रोका गया है, पहली बार। अरे हमने नहीं रोका, किसी भी डाउट नहीं अलाउ, सुनो आप पहली बार बच्चों को किसी भी डाउट नहीं अलाउ ना, उस दिन पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करते। आपके कॉलेज में कैमरे लगे हुए ना? अरे मेरी भी तो सुनो, जिस दिन विदाउट ड्रेस अलाउ होती है ना उस दिन आप पहन के आओ, हम कोई मना नहीं करेंगे। यार मेरे वाली बच्ची की बदतमीजी कर दी आपने। अरे नहीं सर, ये माफी है, अगर कोई आपको लग रहा हो गलती हुई हो तो माफी है, आप इसको इंटेंस मत बनाओ, माफी है, हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे इस चीज के लिए। अगर आपको लगा हो तो कम से कम जैसे लड़की आ रही है ना वैसे ही अलाउ करोगे आप लोग? सर वैसे ही अलाउ कर रखा है अपन, ऐसे किसी की आप लोग इसे नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, अगर आपको आपको लगाओ गलत इंटेंस लेंगे हमारा वैसे आ रही है ना वैसे ही अलाउ करोगे? कोई बड़ी बात है फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहें टीपीवी न्यूज़।